गढ़वा में बोले पीएम मोदी, कहा आने वाले 25 वर्ष देश और झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण। झारखंड के गढ़वा में बोले पीएम मोदी, कहा जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने माताओं और बहनों के लिए कुछ नहीं किया। यूपी में उपचुनाव की तारीख में हुआ बदलाव, 13 की जगह 20 नवंबर को होगा उपचुनाव। यूपी, पंजाब और केरल की 14 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख बदली, त्योहारों की वजह से लिया गया फैसला। निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, यूपी समेत 3 राज्यों में उपचुनाव की तारीख बदली। अल्मोड़ा में हुआ बड़ा हादसा, मारचूला के पास खाई में गिरी बस, हादसे में अभी तक 36 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अल्मोड़ा बस हादसे पर सीएम धामी ने लिया संज्ञान, निलंबन का दिया आदेश, साथ ही मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि का किया ऐलान। अल्मोड़ा में हुई बस दुर्घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख, कहा परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। यूपी कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, अब 5 की बजाय 3 साल में हो सकेगा शिक्षकों का तबादला। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को दी चुनौती, कहा देश की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मची हुई है। श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा, कल आतंकियों ने किया था ग्रेनेड हमला। दिल्ली में सांसों पर संकट, हवा हुई जहरीली, 10 इलाकों में 400 के पार हुआ AQI। झारखंड में जेएमएम को तगड़ा झटका, सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू बीजेपी में हुए शामिल। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का महासंग्राम हुआ शुरू, एमवीए पर सीएम शिंदे ने किया हमला, कहा पिछली सरकार हफ्ता वसूली करती थी। सीएम आतिशी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी से आग्रह है कि छठ पूजा पर राजनीति ना करें। जगन्नाथ मंदिर की दीवारों पर आई दरार, सेवादारों ने जताई चिंता, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से मरम्मत के लिए मांगी गई मदद। उपचुनाव में जुड़ेंगे कटेंगे पर सियासी घमासान, मौर्य बोले वोट के लिए जिहादियों का समर्थन करती है सपा। विधानसभा चुनाव से पहले जारंगे का यूटर्न, नामांकन वापस लेने का किया ऐलान, कहा मेरा किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल से कोई जुड़ाव या समर्थन नहीं है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र के पहले दिन 370 निरस्त के खिलाफ पीडीपी विधायक का प्रस्ताव, सीएम उमर बोले इसकी कोई अहमियत नहीं। केरल के वायनाड में बोली प्रियंका गांधी, कहा मेरे भाई ने बीजेपी के दुष्प्रचार से लड़ा है। केदारनाथ उपचुनाव पर पार्टियां कर रही अपने मन की जीत का दावा, कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा विधानसभा की बदहाली का लगाया आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया मौन उपवास, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जताया विरोध, सुरक्षा देने की उठाई मांग। सपा महासचिव शिवपाल के अधिकारियों को धमकी, गड़बड़ी करने पर होगी बड़ी कार्रवाई, साथ ही कहा सरकार आने पर इनसे निपटा जाएगा। नैनीताल की युवा बॉक्सर दीपाली थापा ने सीएम धामी से की मुलाकात, एशियन स्कूल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता है गोल्ड मेडल। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का छलका दर्द, भ्रष्टाचार और राजनेताओं के भ्रष्ट कार्य संस्कृति पर किया कटाक्ष, कहा अपने अपने घर भरने में लगे हैं राजनेता। समापन की ओर चारधाम यात्रा, 44 लाख श्रद्धालुओं ने इस साल किए दर्शन, गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ के कपाट हुए बंद, 17 नवंबर को बद्रीनाथ का होगा कपाट बंद। पुलिसकर्मियों द्वारा थूक चटवाने वाले मसले को लेकर यूपी कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी पुलिस जनता को टॉर्चर करने के बहाने ढूंढती है।
कांग्रेसी पार्षद पर हमला, युवकों ने घर में की तोड़फोड़। अंबिकापुर कोतवाली पहुंचे कांग्रेसी, युवकों के खिलाफ किया FIR, एक आरोपी गिरफ्तार। रुदौली से नयागंज की सड़कों का 15 सालों से हाल बेहाल, लोग पलायन करने को मजबूर, लोगों की आवाजाही में हो रही परेशानी। उत्तराखंड में हुआ बड़ा हादसा, बस खाई में गिरी, 36 यात्रियों की मौत, कई घायल। अमरोहा में एक बार फिर हुआ रिश्तों का खून, कलयुगी नाबालिग बेटे ने फावड़े से काटकर की पिता की हत्या, मामूली डांट से नाराज था नाबालिग बेटा। देवरिया में हुआ बड़ा हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट होने से मकान में लगी भीषण आग, आग लगने से 3 लोग झुलसे, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया था। मुजफ्फरनगर में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली, घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में SP ने चलाई तबादला एक्सप्रेस, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, 58 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में भी किया गया बदलाव, SP ने कहा रिटायर्ड फौजी मामले में की जाएगी जांच। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा को लेकर प्रशासन सख्त, परिक्रमा को सकुशल संपन्न कराने में जुटा प्रशासन, DM ने परिक्रमा पथ का किया निरीक्षण। रायबरेली में रीलबाज युवती पर चढ़ा तमंचा रखने का खुमार, तमंचे के साथ युवती ने बनाई रील, युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का गाजियाबाद दौरा, कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक, उपचुनाव को लेकर होगी चर्चा। वाराणसी में भी छिड़ा पोस्टर वॉर, CM योगी के समर्थन में जुड़ा लगा पोस्टर, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे, जनता में बना चर्चा का विषय। रायपुर में बदमाशों के हौसले दिखे बुलंद, BJYM नेता के साथ चाकूबाजी कर की लूट, CCTV कैमरे में कैद हुई वारदात। बलौदाबाजार में सरकार के कड़े निर्देश के बाद हुई कार्रवाई, जुआ खेलते हुए 6 कारोबारी गिरफ्तार, 1 लाख से ज्यादा रुपए भी हुए बरामद। कांकेर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, साथ ही बटोंगे तो कटोगे नारे का भी किया समर्थन। बिलासपुर में PWD का एक और कारनामा आया सामने, सड़कों पर भरा पानी, PW के कामों पर उठे सवाल लेकिन विभाग पर नहीं हुआ असर। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, लिस्ट में 40 स्टार प्रचारकों का नाम, 20 नवंबर को होगा किस्मत का फैसला। उत्तराखंड के UPCL के प्रबंधक निदेशक अनिल यादव को 2 साल का मिला सेवा विस्तार, सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है BJP। बलरामपुर में पुलिस हिरासत में NHM कर्मी की संदिग्ध मौत से सियासत शुरू, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। रायगढ़ में फिर गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा, हिंदू संगठन के विरोध के बाद पुलिस ने की कार्रवाई, 3 महिलाओं समेत 4 के खिलाफ FIR की गई। बहराइच में ज्वेलरी शॉप पर चोरों ने किया हाथ साफ, लाखों की नकदी और जेवरात उठा के ले गए चोर, चोरों ने CCTV भी तोड़। गाजियाबाद में वकीलों ने कचहरी गेट किया बंद, वकीलों के हड़ताल की घोषणा के बाद गेट किया गया बंद, पुलिस के लाठी चार्ज के विरोध में किया गया मेन गेट बंद। बलरामपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 1 महिला की मौत, कई घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया। ग्रेटर नोएडा में अवैध बीट फैक्ट्री पर हुआ हंगामा, फैक्ट्री के बाहर लोगों ने किया जमकर हंगामा, फैक्ट्री पर कार्रवाई करने की गई मांग। हापुड़ के एक रेस्टोरेंट में दिखा दबंगों की दबंगई, दबंगों ने एक युवक के साथ की मारपीट, पुराने विवाद के चलते मारपीट, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हिंदुओं पर खालिस्तानियों के हमले से भारत कनाडा में बढ़ा तनाव, सिख समुदाय भी समर्थन में उतरा।
इसराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र पहुंचा नाटो देश, हथियार सप्लाई पर रोक की भी लगाई गुहार। चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने की भव्य रैलियां, कई शहरों में नहीं दिया करोड़ों का बिल।